हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेडीमेड नायरा कट कुर्ती की फिटिंग कैसे करें। तो इसकी फिटिंग सिंपल कुर्तियों से अलग तरीके से होती है। तो इस पर कुछ इस तरह से पैटर्न किया हुआ है और इस पर आर्म होल का शेप बना हुआ है। तो इसकी हमें आर्म होल की भी कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इस पर जो है बाजू वो कुछ दूर से लगाया हुआ है, तो हमें इसे आर्म होल का शेप देना पड़ेगा। और इसके बैक गले की भी कटिंग करनी पड़ेगी और इसकी कमर की भी फिटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपके भी नायरा कट कुर्ती की पैटर्न कुछ इस तरह से है तो ये वीडियो आप इन तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फ्रंट नेक बना हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई को पहले खोल लेंगे। पहले हम बाजू को निकालेंगे। तो आप इस सिलाई को सुई से या हाथ से ही खोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत कच्ची सिलाई लगी हुई होती है और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो ये हमने दोनों बाजू को निकाल लिया है। फिर इसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई खोलेंगे, कमर की फिटिंग जो है। तो ये हमने दोनों साइड की सिलाई को खोल लिया हुआ है। फिर इसके बाद हम नीचे वाले पार्ट को, ये जो चोली वाली पार्ट है उसे अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको खोल लेंगे दोनों पार्ट को। तो ये हमने नीचे वाले पार्ट को अलग कर लिया है। अब हम चोली वाले पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और बीच से इसे फोल्ड कर देंगे। और दोनों साइड के नेक को हम बिल्कुल बराबर रखेंगे और कंधे को भी बिल्कुल बराबर रखेंगे। फिर इसके बाद हम अपनी फिटिंग करेंगे। जितना आपकी फिटिंग हो उसके हिसाब से आप लगा लें। तो मैं अपने शोल्डर के मार्क 7 इंच पे लगा रही हूँ और आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी। फिर इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच, तो उसका हम चौथा पार्ट लेंगे और 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर इसके बाद हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा कमर है 32 इंच, तो उसका चौथा पार्ट लेंगे और हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर इन दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। आप इसे बैक साइड से कर सकते हैं, मैं इसे आपको दिखाने के लिए फ्रंट साइड से लगा रही हूँ। फिर इसके बाद आर्म होल को राउंड शेप देंगे और 2 इंच मार्जिन छोड़ के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम बैक वाले नेक की कटिंग करेंगे। तो जितनी हमें सिलाई मार्जिन रखनी है उतना कपड़ा हमें ऊपर बस छोड़ना है और उसके बाद हमें इसे अपने हिसाब से नेक की कटिंग कर लेना है। मैं इसे 2 इंच पर कट कर रही हूँ, आप इसे चाहे तो और बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारी चोली वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हमें जहाँ से सिलाई करना है वहीं से हम इसे रखेंगे और इस पर गैदर लगा लेंगे। फिर इसके बाद हम बैक नेक के लिए 1 इंच की पट्टी कट कर लेंगे जिससे हम अपने बैक नेक को बनाएंगे। तो पट्टी को हमें इस तरह से रखेंगे और इस पर अटैच कर लेंगे। तो अब हम इसके बाजू की कटिंग करते हैं। तो दोनों बाजू को हम एक साथ रख लिए हैं और फिर इसके बाद हम जितना आर्म होल के मार्क लगाए थे 6.5 इंच पे उतना हम मार्क लगा लेंगे। फिर इस तरह से हम अंदर की तरफ 3 इंच पर मार्क लगाएंगे और यहीं से हम इसे राउंड शेप दे देंगे ऊपर की तरफ। और फिर इसके बाद हम अपने बॉटम का मार्क लगा लेंगे 5 इंच पे। आप इस मार्क को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगाएं और फिर इन दोनों मार्क को हम मिला लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैक वाले नेक को बनाएंगे। तो जितनी हमने सिलाई मार्जिन छोड़ी है बिल्कुल उतना ही हमें स्टिचिंग करना है। तो इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और दोनों साइड बिल्कुल ऐसे ही लगा लेंगे। तो ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गला बिल्कुल अच्छे से बने। और फिर इसे हम बैक साइड करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी नेक बन चुकी है। ये है बैक साइड और ये है इसका फ्रंट साइड। अब इसके बाद हम कंधे के साइड को, अस्तर और मेन पार्ट को एक साथ अटैच कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना फिसले। और इसी तरह से हमने दोनों साइड लगा लिया है। अब फिर इसके बाद हम इसकी कमर की फिटिंग करेंगे। तो ये हमने कमर की फिटिंग और चेस्ट की फिटिंग के लिए बैक साइड मार्क लगा लिया है जितना हमारा फिटिंग था उसके हिसाब से। अब इसके बाद हम इसकी कमर की फिटिंग कर लेंगे इसी मार्क के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी कर लेंगे। तो ये हमारी चोली वाली पार्ट रेडी हो चुकी है। फिर इसके बाद हम इसे नीचे वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये जो किनारे की साइड बिल्कुल सिलाई लगी हुई है बिल्कुल वहीं से हम इसे अटैच करेंगे और इसमें छोटे छोटे गैदर्स लगाएंगे। और इस साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से अटैच करेंगे। और फिर दोनों पार्ट को हम बैक साइड से रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे हम इस तरह से छोटे छोटे गैदर्स लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो ये फ्रंट साइड कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बिल्कुल किनारे से ही लगा हुआ है। और इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये हमारा दोनों पार्ट चोली के साथ अटैच हो चुका है। तो देखिए, दोनों साइड की जो चाक है बिल्कुल बराबर आई है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बना हुआ है। अब इसके बाद ये जो लटकन था, इसे हम अंदर के साइड इसे लगा लेंगे। तो नीचे के साइड हमने जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी के किनारे हम लगा लेंगे। तो देखिए, ये लग चुका है। ये फ्रंट साइड करने के बाद ये अपने आप ही नीचे की तरफ लटकेगा। अब इसके बाद हम इसके बाजू को अटैच करेंगे। तो ये हमने बाजू की स्टिचिंग कर ली है। तो जितना हमारा आर्म होल का गोलाई हो बिल्कुल उतना ही हमारे बाजू का भी गोलाई होना चाहिए, तभी ये अच्छे से अटैच होगा, वरना छोटा बड़ा हो जाएगा, इसमें झोल आ जाएंगे। तो ये हम बाजू वाले और आर्म होल वाले दोनों सिलाई को एक साथ रखेंगे बिल्कुल बराबर करके, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों पार्ट की सिलाई को बिल्कुल बराबर रखेंगे और नीचे वाले कपड़े को हम बिल्कुल बराबर रख के इस तरह से किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई करते जाएंगे। तो ये हमारा बाजू अटैच हो चुका है और इसी तरह से हम दोनों बाजू को अटैच कर लेंगे। तो ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। तो अगर आपकी भी कुर्ती की पैटर्न कुछ इस तरह से है तो इस आइडिया को आप यूज़ ज़रूर करिए, बहुत ही इजी है। तो इस तरह से आप अपनी कुर्ती को बनाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे आइडियाज़ कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने रिलेशन में और चाहने वालों में शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।